श्रीश गोवाच अतात श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तनः। सूर्यवंश की कथा पूरा करने के बाद अब चंद्रवंश की कथा आरंभ करते हैं। अतात श्रूयताम राजन, हे राजन आप सूर्यवंश के अनंतर या सोम वंश का जो अत्यंत पवित्र सोम से पावन वंश है जिसमें नैल आदि महान राजा लोग हुए हैं जिनकी महान यश रहा पुण्य कीर्त्य कीर्त्यन्ते तश्रुयताम, ऐसा वंश के बारे तुम मुझसे सुनो। सहस्र शिर सह पुंस नाभि हृदय सरोरुहात जातस्यासी सुतो धातु अत्रि पित्रि सम गुणैहि। सहस्र शिर का पुरुष के नाभि कमल से हृदय सरोरुहात नाभि रूपी समुद्र से उत्पन्न जो कमल के द्वारा पैदा हुआ था धाता यह ब्रह्मा जी, जातस्य धातु आसीत सुतः उत्पन्न उस धाता ब्रह्मा जी के पुत्र हुआ जिसका नाम है अत्रि। पितृ समौ गुणैहि, गुणों से तो वह साक्षात धाता ब्रह्मा जी के सदृशी है। तस्य दृग्भ्यो अभवत् पुत्रः सोमो अमृतमय किल विप्रौषद्युडुगानां ब्रह्मणा कल्पित पतिः। तस्य दृग्भ्य दृशो नेत्रा, उनकी दृग्भ्य मैंने आनंद आश्रुभ्य, यहां पर है आनंद आंसू थे, उन आनंद के आंसुओं के से ही एक अमृतमय पुत्र उत्पन्न हुआ। अभवत अमृतमय पुत्र, उसका नाम पड़ा सोम, जिसको ब्रह्मा जी ने विप्रौषद उड़ुगणा नाम पति कल्पिता, वक्षमान दर्प का ये कारण था। विप्र औषधि और तारागण का इनको स्वामी बना दिया गया था, किसको सोम को, इसलिए उसको अहंकार हो गया। अमृतमय तो है ही है? आनंद आश्रम से टपका है, आनंद आश्रम से पैदा होना विलक्षण कथा है ना, ये देखो सहस्र पुरुष के नाभि कमल से पैदा हुआ ब्रह्मा, वो ब्रह्मा से पैदा हुआ उसका मानस पुत्र अत्रि मन से पैदा हुआ है, और अत्रि जब नारायण स्वरूप का दर्शन प्राप्त किया तो आनंद के आंसू निकल पड़े, उससे सोम प्रकट हो गया नहीं, ऐसे संबंधित है सब। अर्थात क्या है, सहस्र श्रेष्ठ पुरुष कौन हुआ, साक्षात हिरण्यगर्भ है, सगुण साकार हिरण्यगर्भ लेना पड़ेगा, वही सहस्र श्रेष्ठ पुरुष है। उसके नाभि हृदय से, नाभि हृदय से क्या हुआ, धाता पैदा हुआ जो सबको धारण करने वाला पैदा हो गया। वो भी कहां से, नाभि हृदय से पैदा हो रहा है, नाभि हृदय कमल से, नाभि हृदय नाभि रूपी हृदय उसमें उत्पन्न जो कमल तारस कमल से उत्पन्न हुए हैं। अच्छा, नभस्य अपत्यम नाभि, नभस्य कार्य विशेष इत्यर्थ, नभ का कार्य विशेष, आकाश तत्व का कार्य विशेष था ब्रह्मा, इसे सदा वो निरंतर विशुद्ध थे, व्यापक की भावना बनती थी। उनका पुत्र तादृश धाता जो संसार का धाता है धारण करने वाला, उसका पुत्र अत्रि, नविदिते त्रयो यस्मिति अत्रि, जिसमें आदि देवी का आदि भौतिक और आध्यात्मिक प्रकार का दुख नहीं होता, उसका नाम अत्रि, अतः उसके नारायण का आसानी से दर्शन हो गया। और अभी अत्रि कैसे, इसलिए मानस पुत्र था, यदि औरस पुत्र होता तो वो त्रिविध दुख का ताप से युक्त होगा, और त्रिविध दुख से रहित इसलिए है क्योंकि मानस है, संसार को ही धारण कर लिया है, और धाता यथापुर अकल्प यथापुर अकल्पना किया है, इसलिए उसने पहले से जानता है सब मिथ्या जगत है, जीवन मुक्त है, उसके मन से जो प्रकट हुआ वो कैसा होगा, वो भी जीवन मुक्त ही होगा। अतः उसके शरीर में नारायण का दर्शन होते आनंद के आंसू निकल गए,
आनंद लेश की अनुभूति, आनंद आश्रु क्या है यहाँ पर, आनंद लेश का अनुभूति जैसे ही हो गया, उससे एक सोम नामक अमृतमय पुरुष की प्राकृति हुआ। सोमा क्या है? उमा सा इति सोमा, उमा के साथ अर्थात विशिष्ट माया शक्ति के साथ पैदा हो गया। विशिष्ट माया शक्ति के साथ पैदा होने से इसके अंदर अहंकार आ गया। अब तक सामान्य माया शक्ति थी, सृष्टि का आरंभ करने के लिए आवश्यक होता सामान्य माया शक्ति थी, और तब तक तो कोई समस्या नहीं हुआ। विशिष्ट माया शक्ति से जैसे युक्त हो गया सारा काम बिगड़ गया। क्यों? विशिष्ट माया शक्ति में अहंकार होता है, इसका भी अहंकार हो गया और दूसरे की पत्री को उठा के ले आया। जबरदस्ती सुंदर पत्री थी, उठाया तारा को, बृहस्पति का पत्री को उठा के लाया कि सोम हो गया ना ये सोम, उमा उमाया सा इति सोम, उमा के साथ जो उसका नाम सोम है। या उमा का तात्पर्य है विशिष्ट माया अविद्या, उससे जो सहित होता है उसी का नाम सोम, वो पैदा हुआ। इसलिए दृग्भ्य कह दिया आनंद पूर्ण आनंद से नहीं प्रकट हुआ, ये आनंद लेश से प्रकट हुआ है। नारायण दर्शन से उत्पन्न आनंद लेश से प्रकट होने से यहाँ अविद्या लेश विद्यमान है। अविद्या लेश के कारण से उसके अंदर अहंकार हो जाएगा, और अहंकार को बढ़ावा कौन दे रहा है? परांग कारण वितरण स्वयं भू परांग पश्चिदनात्मन के आधार पर धाता ने क्या कर दिया, उसको बना दिया राजा, राजापन के तौर क्या कहना, और अहंकार बड़ी है भाई, सारे तारागण मेरे हैं, सारे जो ब्राह्मण भी कभी मही राजा विप्रों का औषधियों का और उड़ुगण का, इतने चीजों का राजापन आ जाए तो उसके अहंकार उड़ गया हवा में। तब करता क्या है, स्वयजत राज सुयेन विजित्य भुवन त्रयम पत्नी बृहस्पति दर्तात ताराम नाम अहरत बलात् स्वराज सुयेन अयजत। वह सोम नामक राजा ने राजसुय याग के द्वारा उस परमात्मा को प्रसन्न कर लिया, प्रसन्न करके भुवन त्रयम विजित्या तीनों लोकों को जीत लिया। जब जीत लिया तीनों लोकों में रहने वाले सभी उसके प्रजा हो गए, और प्रजा का अपराध किसी का भी कोई भी जिसके अपराधिकार हो गया, मालिक हो गया ना तीनों संसार में। तो बृहस्पति का जो पत्नी थी अहंकार में आकर के उसके तारा नाम था उसको उसने बलपूर्वक आहरण कर लिया। गुरु क्या है? तो अभी तो देवता भाव में स्थित है नहीं, अभी तो उसको देव भाव कहाँ प्राप्त हुआ है, हाँ चंद्रा है चंद्रमा है, अभी देव भाव प्राप्त नहीं हुआ उसको। दिति का आदित्य का संतान तो है नहीं, आदित्य के रूप में नहीं कहा जा रहा, साक्षात मानस पुत्र है अत्रि का। इसे देवता भाव का प्राप्ति भी हुआ नहीं, ब्रह्मा जी ने पोट दे दिया, राजा बना दिया। इतने में जो है आप इसके अंदर जो है पत्नी की इच्छा थी, कौन सी पत्नी मिलेगी, राजा तो है रानी की बिना राज। यदि भी उसको 27 ताराएं दी गई थी तो तारा गण कौन है, 27 नक्षत्र है, तो सारी लगभग देवियां हैं, अनुराधा रोहिणी सब क्या है, सारी देवियां हैं, नहीं ये सब देवी उसकी पत्नी है, लेकिन उनसे थोड़ी संतुष्ट होएगा, अहंकार भी है। बलात्कार प्रोफेसर जो बृहस्पति का पत्नी को हाथ में ले लिया। यदा स देव गुरुणा याचितो अभिष्ट शो मदात नात्यजत तत्कृते जज्जे सुरदा नव विग्रह। यदा जब देव गुरुणा देवता गुरु बृहस्पति उनके द्वारा स याचित वह सोम रूपी राजा से प्रार्थना किया गया, भाई अभिष्ट बार बार प्रार्थना किया, अनेक प्रकार से प्रार्थना किया, यह अन्याय कर रहे हो या धर्म में, इसे तुम्हारा नाश होगा ऐसा मत करो। लेकिन मदात नात्यजत, मद के मारे जो है त्याग नहीं किया, बल्कि तत्कृते सुरदान विग्रह जगे। अब उस तारा का निमित्त माना करके देवताओं में असुर में भयंकर लड़ाई, देवता लोग गुरु बृहस्पति का पक्ष में और असुर लोग सोम के पक्ष में हो गए, और आपस में भयंकर लड़ाई हुई। शुक्रो बृहस्पति हृद्वेशात अग्रहीत सासुरो रूपम हरो गुरु सुदम स्नेहात सर्वभूत गणावृत। शुक्र बृहस्पति हृद्वेशात, शुक्राचार्य ने क्या किया, बृहस्पति से उनका द्वेष था ही, उनको मौका मिल गया अच्छा है बदला लेने को,
इसकी पत्नी को चुरा लिया कि इसको समर्थन करो, सब असुरों को चढ़ाओ, तुम इनके पक्ष में भरो उसको, देवताओं को भगाओ। और क्या किया, द्वेष से उन्होंने दे सासुर रूपम अग्रही, सासुरोपम अग्रही, असुरों के सिर तो उड़ुपम अग्रहित, संध्य जो है उड़ुप को संग्रह का ग्रहण कर लिया, संधि कराने की बात कर लिया। उड़ुपम अग्रहित हरो गुरु सुतम स्नेहात सर्वभूत गणावृत सर्वदेव गणोपेतो महेंद्रो गुरु मन्वयात सुरासुर विनाशभूत समरस्तारकामय। हरो गुरु सुतम स्नेहात, और हरा गुरुसुताम, गुरुसुत कौन है, अंगिरसा सकाशात प्राप्त विद्या हर इति प्रसिद्धि, अंगिरस से जो प्राप्त विद्या वाला होने से उसका नाम हर भी था। गुरु सुतम इति बृहस्पति मग्रहित, गुरु का पुत्र को उसने जो है ग्रहण कर लिया, कौन बृहस्पति को ही बांध दिया। शुक्राचार्य का गुरु कैसा है, गुरु पुत्र कैसे हो जाएगा बृहस्पति, इसीलिए क्योंकि शुक्राचार्य जी ने अंगिरस महर्षि से प्राप्त विद्या प्राप्त किए थे, और अंगिरस महर्षि का पुत्र था बृहस्पति, अतएव गुरु पुत्र हुआ, और उस गुरुसुत को ही उसने जो है हरण कर लिया, अग्रही बांध दिया। स्नेहात सर्वभूत गणावृत, सर्वभूत गणावृत गुरुसुतम हरो स्नेहात्येव अग्रहित, ऐसा करना पड़े, शुक्रो हरः, शुक्र का नाम हर है, शुक्रो हरः बृहस्पति द्वेषाद सासरोपम गुरुसुतम अग्रही। ऐसा पूर्वान में होगा ना इसका, शुक्र जो हर नाम से प्रसिद्ध है वह अपने गुरुसुत कैसा है, असुरों के सहित उड़ुपम सासुर उड़ुपम मैंने सकल नक्षत्रगण और असुरों के सहित वो गुरुसुत जो था उसको उसने ग्रहण कर लिया, वो भी कैसे स्नेह पूर्वक ही ग्रहण किया, सर्वभूत गणावृत सकल भूतों का गण से आवृत होकर के उसको हरण कर लिया, ग्रहण कर लिया, बांध दिया। सर्वदेव गणोपेतो महेंद्रो गुरु मन्वयात सुरासुर विनाश भू समरस्तारकामय। सर्वदेव गणोपेतो महेंद्र, सकल देव गुणों से युक्त होकर के अब क्या कर गया, महेंद्र चल पड़ा गुरु अन्वयात, गुरु का जो है अनुसरण करता हुआ जो क्या किया उसने, सुर और असुर के बीच में महान समर हुआ, तारकामय समर है विनाश अभूत, सुर और असुर दोनों का नाश होते गया, तारकामय महान युद्ध हुआ। तारकामय क्यों, तारा को निमित करके लड़ाई हुई, इसलिए इसका नाम तारकामय, तारका तारा एव आमय नाश हेतु यस्मिन स तारकामय, तारा ही है नाश कारण जिनका, उनको कहते हैं तारकामय। अतः तारा एव तारका बना लो पहले कन प्रत्यंत, तस्या हेतु आगत प्राप्त इति तारकामय, आगत आगत अर्थ में मैट कर देना हेतुवाचक, ऐसा जो तारका मैय समर जो दोनों का नाश का कारण बन गया। निवेदित अथांगिरसा सोमम निर्भर्ष विश्वकृतो तारांश भर्त्रे प्रायच्छद अंतर्वत्निम वैपति। निवेदित अथांगिरसा विश्वकृत निर्भर्ष सोमम तारांश भर्त्रे प्रायच्छद, अंगिरस का द्वारा निवेदन करने के कारण से बीच विश्वकर्ता ब्रह्मा जी टपक पड़े, उन्होंने जो है बड़ा डांट फटकारा सोम को, कहा कि तुमने बहुत गलत किया, ऐसा मत करो, उसके पति को अपने दे दो उस तारा को वापस, तारांश भर्त्रे प्रायच्छद। लेकिन इस बीच में वो सोम गड़बड़ कर चुका था और वह तारा जो गर्भवती हो चुकी थी, अंतर्वत्नी गर्भवती उस तारा को अवैपति ही, वो पति उसका जो बृहस्पति के शरण में उसको वापस लौटा दिया ब्रह्मा जी के कहने पर। लेकिन बृहस्पति त्रिकाल के जानते हैं कि गर्भिणी होके आई हुई है और इसे बीच जो है स्वयं का है, मेरा नहीं है, अतः क्या कहते तेज आश दुष्प्रज्ञ मत क्षेत्र आहितम बरे ही
नाहं त्वं भस्मसात् कुर्याम स्त्रियं शांतानिकः सति। हे दुष्प्रज्ञे, हे दुष्ट प्रज्ञा वाली, वो ले गया तो क्या था, चुपचाप रहती सीता जी जी से रावण ले गए तो क्या रावण के साथ संबंध कर लिया सीता ने? तुम दुष्टा जो है उसके सौंदर्य से मोहित हो करके उसे संबंध करा लिया। इसलिए हे दुष्प्रज्ञे, आशु त्यज त्यज, जल्दी त्याग दो इस गर्भ को, अभी त्याग दो, मत क्षेत्राद परई आहितम त्यज। तुम मेरा खेती हो और मेरा खेती से दूसरों ने बीज आधान कर दिया है, ऐसे इस बीज से उत्पन्न इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, इसे तुम इसको शीघ्र त्याग। वो सोचती है यदि मैं त्याग होती तो नाराज है या भस्म कर डालेंगे बच्चे को, लेकिन पुत्र की कामना होता ना कौन सी स्त्री चाहेगी। आजकल तो राक्षसियां होती हैं, वो बात अलग है, 2500 बार पैदा कर दे मैंने गर्भिणी हो जाती, 2500 बार खत्म कर देती है दवाया खा करके। आजकल की लड़कियां तो बर्बाद है, राक्षसी है, इसलिए बाद शादी होता है, शादी होने का बच्चा नहीं हो रहा है, परेशान हो रहा है, दोनों परेशान। कारण क्या है? पहले गर्भ को सुखा दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, नाड़ियां खराब हो गई, गर्भ वेष्टन खराब हो गया दवाइयों के कारण, और अब जो है 8-10 साल यू पीत गया, 15 साल से 25 साल तक, 25 के बाद शादी हुई तो कहां से संतान होगा, गर्भ तो बर्बाद हो चुका, और फिर उनको आएंगे और कहां जाएंगे, बाबाओं के पास आएंगे, महाराज कृपा करो, महात्मा को दवा पानी वगैरह करेंगे, आशीर्वाद देंगे, पूजा पाठ कराएंगे, कुछ पाप धुलाएंगे उसकी, है कि नहीं, फिर कुछ किसी न किसी प्रकार से इक्का दुक्का कोई का संतान हो जाता, कईयों को होता ही नहीं, परेशान रहते। कारण यही है, अकाल में जो संबंध कर लिया, और अकाल ही नहीं जो पति है नहीं, अपति की तरह संबंध करा लिया, और संसार का जो है सामाजिक जो मर्यादा है प्रतिष्ठा का भय से उसे गिरा देते हैं। लेकिन इसने देखा मैं गिराऊंगी तो भस्म कर देगा, संतान की बड़ी इच्छा थी उसको, इसलिए उसने भुगता लिया उससे, बृहस्पति अपने तपस्या में रहते थे, बेचारी सेवा करते करते बुढ़िया रही थी, तो मौका मिल गया तो उसने संबंध करा लिया। तो क्या करे, एक बात को बृहस्पति समझ गए, ओहो संतान की इच्छा से उसको त्यागना भी नहीं चाह रही, तब वो वचन देते चिंता में, ना हम ताम भस्म साथ कुरियाम, अहम त्वाम भस्मसात न कुर्याम स्त्रियम शांतानिक सती, कि संतान की इच्छा करने वाला होने के कारण से ऐसी तुझको जो है ना मैं भस्मसात नहीं करूंगा। शांतानिक संतानार्थी, शांतानिक इति पाठे, हे सत्पुत्र इत्यर्थः, येन पर गर्भे त्यक्त भस्मी करिष्यति इति विभ्यतिम प्रत्याह, घर के त्यार उसको मेरे को भी भस्म कर देगा, बच्चे को भी कर देगा, ये तो इस भय के मारे जो है ना वो नहीं गिरा रही थी। तो उसने जब वचन दे दिया, ना मैं बच्चे को भस्म करूंगा, ना मैं तुम्हारा को तुमको भस्म करूंगा, तुम चिंता मत करो, छोड़ दो उसको, त्याग दो। तब लज्जा के मारे उसको त्यागना पड़ा। तब त्याज व्रीडिता तारा कुमारम कनक प्रभम स्पृहाम आंगिरस चक्रे कुमारे सोम एव च, तत्याज व्रीडिता तारा, वह तारा अत्यंत लज्जित होकर मजबूरी में उस गर्भ को त्याग दिया और वह स्वर्ण के सदृश कुमार वह प्रकट हो गया। अब लेकिन जो है ये आंगिरस बृहस्पति को भी उस बच्चे में मोह हो गया, इतना सुंदर इतना दिव्य था, उस बालक को देख करके कल मेरा ही बेटा है, तेरे से ऐसा पैदा नहीं हो सकता, मेरा ही वीर है, और फिर स्वर्ण के नहीं मेरा वीर से पैदा हो रखा, तुम्हारे वीर से नहीं, दोनों भिड़ंत हो गई। आंगिरस चक्र कुमारे सोमये वचा, आंगिरस दोनों के दोनों प्रहाम चक्र है, उसे बड़ी जो मोह ममता करने लगे। ममा यम न तवैति उच्चे तस्मिन विवदमान यो हो पपृच्छ ऋषयो देवा नहीं वोचे वृढ़ता तुसा, दोनों लड़ रहे थे, ममा यम न तवा, मेरा ये तुम्हारा नहीं होगा, मेरा ये तुम्हारा नहीं, आपस में लड़ रहे थे। तब जो है तस्मिन विवदमान यो, उस बालक के विषय में विवाद जब कर रहे थे, तब ऋषियों ने देवताओं ने सबने कहा, हे तारा बता दे किसका है, तू ही बता किसे तुमने जो है बीज जो है अर्पण करा लिया था,
कान किसके गर्भाधान से पैदा हो रखा है, लेकिन व्रीडिता तो सा न उवाच, लेकिन नहीं बहुचे, लज्जित होने के कारण से वो कहीं कैसे कह देगी अपने पति को जो है दूसरों से बीच बोल लिया है, कैसे कह सकती है। इज्जत का मामला है, देवता लोग भी थूकेंगे, ऋषि लोग थूकेंगे, तो कैसी नारी है, गंदी है गाइस, युग के आदिकाल में ऐसा, आगे क्या होगा कलयुग आदि में, फिर तो सब थूकते उसको, तेरी परंपरा कलयुग में विशाल हो जाएगा, तेरे से दुष्टाई सब पैदा हुआ करेंगे, सब तारा का चिड़िया होंगे सारा संसार, तूने गलत परंपरा का जो है ना बीज बो दिया, ऐसे सब फटकारते, सब धिक्कारते उसको, धिक्कारते उसको, इसलिए बेचारी बोली ही नहीं। अब बालक बोलता है, ये माँ बता तू अब मैं किसका बेटा, कुमारो मातरम प्राह कुपितो अनिकलज्जया किन्नवोचसी असद्वृत्ते आतावद्यं वदाशु मे, हे असद्वृत्ते, वो जान वो भी समझ रहा है, इसलिए बोल नहीं रही है, दुष्टा है मेरी माँ, असद्वृत्त है तुम, हे असद्वृत्त संबोधन करता है और कहता है कुपिता कुमार अलीक लज्जया, जो है अलीक लज्जा, लज्जा के अभाव के साथ, लज्जा रहित होकर के वह कुमार क्रोध में आकर के अपने माँ से कहने लगता है, हे असद्वृत्त किम न वोचसी, क्यों तुम नहीं बोल रही है मैं किससे पैदा हुआ, आतावद्यम वदाशु में, मेरे सामने शीघ्र ही तुम्हारे स्वयं के द्वारा किया हुआ सारा पाप को उगल दो, बता दो मेरे सामने क्या तुमने गड़बड़ी किया है, ऐसा डांट के पूछा। लेकिन बोलती कैसे बेचारी, तो ब्रह्मा जी बचाते उसकी इज्जत, ब्रह्मा तांग आहुय सब प्राक्षिच सांत्वयन सोम सित्याह शनक ही सोमस्तम तावद अग्रही, ब्रह्मा ताम रहे आहुय, रह आहुय, ब्रह्मा जी ने उसको एकांत प्रदेश में ले गया, किसको, तारा को, ताम सरस्वती, और समप्राचित और बोल दिया सबके सामने, सांत्वना देते उस कुमार को कहा तुम तो सोम का पुत्र हो बृहस्पति का नहीं हो, धीरे से बोला शनक ही सोमस्य इत्याह, धीरे से कान में बोल दिया इस बालक को तुम सोम का पुत्र हो, लेकिन सोम चालाक सुन रहा था बहुत गौर से, बहुत धीरे से कान में बोला भी उसको सुनाई दिया, तो सोम ने कहा हाँ मेरा है ये, सोमस्तम तावद अग्रही, सोम जो है उसको ग्रहण कर लिया, पुत्र स्वीकार कर लिया, गर्भाधान संस्कार आदि करके वह चला गया, ले गया उसको, उसका नामकरण हो गया बुध, उसका नाम हो गया बुध, तस्यात्योनिरकृत बुधैत्य विधान नृप बुद्ध्या गंभीर या ये पुत्रेण अपौढ़ पुत्रेण अपौढ़ुरान मुदम उड़ुरा मुदम आप, ये नक्षत्र ताराओं का राजा चंद्रमा सोम बड़ा आनंद को पाया जब अपने ही से पैदा हुआ उस पुत्र का नाम बुदैति अभिधाम ने नाम अकृत नामकरण कर दिया, बुद्धि से अत्यंत गंभीर या ये न पुत्रेण, बुद्धि से अत्यंत गंभीर है जो ऐसा पुत्र को देख करके बारंबार जो है उड़ुराट सोम मुदम आप परम आनंद को प्राप्त करता था, उस बुद्ध का पुत्र वा पुरुरवा तथा पुरुरव अजज्ञे इलायाम ये उदाहृत तस्य रूप गुण उदार्य शील द्रविड़ विक्रमान, तथा पुरुरव अजज्ञे उसका पुत्र हुआ पुरुरव, जो उसका पत्नी कौन है बुध का इला, इला में वह पुरुरव नाम पुत्र उत्पन्न हुआ ऐसा प्रसिद्धि है, तस्य हर पुरुरव का सौंदर्य को तो पूछो ही मत, रूप गुण औदार्य शील द्रविड़ विक्रमान, इन सारी चीजों उसका इतना था कि स्वर्ग में भी बुद्ध का जरा वाहवाह होती थी, और उर्वशी उस बात को सुनकर के उसकी इच्छा हो गई, ऐसा दिव्य सौंदर्य वाला है वो, देवता भी जिसके सामने में फैल सबके सबके सौंदर्य था, वो चाहने लगी
मैं उसके साथ संग करूंगा। तथा पुरुरवाचे इलायाम ये उदाहरदः तस्य रूप गुण उदार्य शील द्रविड़ विक्रमाने। द्वितीय अंक अगले श्लोक में जोड़ूंगा। श्रुतोर वशींद्र भवने गीयमानां सुरर्षिना तदंतिकम् उपेयाय देवी स्मर शरार्दिता। उर्वशी इंद्र भवने तस्य रूप गुण उदार्य शील द्रविड़ विक्रमान गीयमानां केना सुरर्षिना गीयमानां श्रुत्वा। उर्वशी ने इंद्र भवन में सुन लिया सुरर्षिगण नारद जी जाकर के गुणगान करने लगे। उसके रूप उसका गुण उसकी उदार स्वभाव उसका शील उसका आचरण उसका धन दौलत उसके विक्रम सामर्थ्य इत्यादि का गायन करने लगे। जब उर्वशी का मन में स्मर शरार्दिता काम देवता के बाण से पीड़ित होकर के तद अंतिकम उपेयाय देवी, वह देवी उर्वशी अब निर्णय कर लिया मैं पुरुरवा के समीप में पहुंचूंगी। और यह जानकारी प्राप्त हो गया मित्रावरुणयो शापात् आपन्ना नरलोकतां निशम्य पुरुष श्रेष्ठम कंदर्पमिव रूपिणम। मित्रावरुण का शाप मिल गया उर्वशी को और वह उर्वशी नरलोकता को प्राप्त कर गई। नरलोकतां आपन्ना सा उर्वशी जब वह जाने लगी छुप छुप कर गई लेकिन मित्रावरुण देख लिए पहले आया ना मित्रावरुण का ही जब देख लिया तो उनका वीर्य स्खलित हुआ और उसको उन्होंने कुंभ में स्थापित किया था। तब उन्होंने कहा कि भाई देवता लोग होते हुए तुम हमारी वेश्या हो, वेश्या का जो मालिक बुलावे तो जाना ही पड़ेगा दासी को और मित्रावरण तो देवता लोग है उनके लिए तुम उर्वशी हो और उनके बुलाने पर भी तुम गई नहीं और उनको जो उल्टा उनका वीर्य स्खलन होना स्खलित होना पड़ा इत्यादि के कारण से उन्होंने शाप दे दिया। वह नरलोकता को प्राप्त कर गई। यही वो चाहती थी, छुप के आ रही थी, अब तो पूर्ण स्वच्छता पर गा नहीं सकती। आ गई सीधे ही पुरुरवा राज के पास पहुंच गई। निशम्य पुरुष श्रेष्ठम कंदर्पमिव रूपिणम साक्षात काम देव के सदृश दिख रहा था पुरुरवा। ऐसा दिव्य सौंदर्य संपूर्ण से देख करके निश्चय कर लिया भाई इसी के साथ मेरे को संबंध रखना है, इसको मुझे अपना पति बना लेना है किसी प्रकार से। धृतिम विष्टभ्य ललना उपतस्ते तदंतिके सताम विलोक्य नृपतिर हर्षेणोत्फुल्ल लोचन उवाच सुलक्षण वाचा देवी हृष्ट तनूरुह। धृतिम विष्टभ्य वह भी धैर्य को स्थापित कर तद दर्शने न जाता पुरुरवा का दर्शन से उसके अंदर काम का उद्वेग 100 गुना बढ़ गया लेकिन वह झपटी नहीं पीछे नहीं पड़ी, बहुत धैर्य रखी हुई। स्तंभाद इव आकार स्तंभनाय धैर्य अवलंब्य उसको स्तंभित करने के लिए क्या किया उसने धैर्य का आश्रय किया। फंसाएगी ना अपने हिसाब से। ललना उपतस्ते धृतिम विष्टभ्य ललना उपतस्ते तदंती के पुरुरवा के नजदीक में वह ललना उर्वशी और धैर्य को धारण करता हुआ धैर्यम अवलंब्य उपतस्ते बैठ गई स। और पुरुरवा ने उसको जैसे देखा हृष्ट तनूरुह उसके भी जो है ना बाल बाल रोंगटे रोंगटे आनंद से जो है पुलकित होने इतना दिव्य देवी मेरे को मिल गई है, इतना सुंदरी है, ऐसी देवी कहां से मिलेगी दुनिया में, किसी भी देश में पैदा नहीं होती है, पता नहीं कहां से ये प्रकट हो गई है। बड़ा हृष्ट तनूरुह सन नृपतिर हर्षेण उत्फुल्ल लोचना हर्ष से उनके आंखों में भी विलक्षण ज्योति प्रकट होने लगा, काम वास संयुक्त ज्योति विशेष प्रकट होने लगा। सुलक्षण वाच देवी प्रत्युवाच अपने मीठी मीठी वाणी से उसने जना उस देवी से बोलने लगा। क्या बोला राजोवाच स्वागतं देवरारोहे आश्रितं करवामि किं संरमस्व मया साकं रतिर्नौ शाश्वती समाः। हे वरारोहे हे वरारोहा
लगता तुम किसी न किसी वर को आरोहण कर लेने की इच्छा से आई हुई है। स्वागत अंते मैं तेरा स्वागत करता हूँ, आसतांग करवाम किम, आओ बैठो, मैं तुम्हारा क्या उपकार कर सकता हूँ बोलो। और वो बोलने से पहले कहने लगता, मैं आज साकं संग रमस्व, मेरे साथ सम्यक प्रकार से रमण कर लेना, तुमको मैं इतना रति दूंगा, इतना सुख दूंगा, शाश्वत समान नौ रति स्यात, अनंत कालों तक भी हम जो हम दोनों का जो रति भाव बना रहेगा, ऐसा दिव्य रति भाव में तुम्हें दूंगा, ऐसा ये वचन दे देता है। फंसता है इसी, यही होता है हमेशा, ही आदमी मूर्ख बन के फंसता, औरत कभी फंसती नहीं। हाँ, औरत बड़ी चालाक रहती है, चाहे जैसा भी स्थिति आवे वो कभी नहीं फंसने वाला। और मूर्ख आदमी होता है वो सारी बात शादी करने का दिन से ही क्या, उसे पहले से आज के जमाने में तो कहानी सब सुना देता है, सारी कहानी सुना देता है, बचपन से अब तक जितना उसने जो जो बोला है, किया, करा, करा, सब अच्छा खराब सब। अब वो सुन करके उस जो नई नई रहती है ना, वो भी जिसको पति करके स्वीकार कर रही है, सारा टेप कर लेती है। ऐसा टेप वो है जिंदगी भर भूलती रही शब्द, बड़ा आश्चर्य की बात है। और उससे आदि पूछता है तो एक भी बात नहीं बताएगी, वो कितने लड़कों से प्रेम किया था, कितने लड़कों के साथ घूमी है, कभी नहीं बोले। अरे उल्लू का पट्टा सब बता देता है, सारी बातें बता देता है। अब बस बाद में जब जब मौका मिले ऐसा वाणी का इंजेक्शन छोड़ती है वो, अरे जानती हूँ आपको अच्छी तरह से, आपने तो वो वैसे किए थे, वो वैसे किए थे, आपने तो खुद कहा था ना, आपने ऐसे ऐसे किया था, बड़े मर्द बनते हैं, ऐसे उल्टा सुनाने लगते हैं। जिंदगी भर सुना 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 कर उसकी आदमी तो खोपड़ी को एकदम खराब, तो कुछ भी बुद्धि उसके काम ही नहीं करेगा, ऐसा कर देगा वश में लेते। यही विचित्रता है नारी, वास्तव की परंपरा है, अनादिकाल से चला है। उर्वशी वाच, उर्वशी कहती है, कस्यास्त्वयि न सज्जेत मनोदृष्टिश्च सुंदर यदंगांतरमासाध्य चवते हरिरंसया। पहले प्रशंसा करती, हे सुंदर, अरे सुंदर, आते सुंदर बताओ, कौन सी स्त्री होगी संसार में जो तुमको देख करके आसक्त नहीं होती हो। कस्या त्वयि न सचेत मनो दृष्टिश्च, हे सुंदर, किसकी दृष्टि ऐसी होगी, किसका मन ऐसा होगा किस औरत का जो तुमको देखकर तुम्हारे मन तुम्हारे प्रति आसक्त न होवे। यदंगांतर में असाध्य, जिसके बाहों के पास में आकर के यदंगांतरम आसाद्य रिरंसया च्यवते, मनोदृष्टि से न च्यवते, ऐसा नहीं कर दो, रमण करने की इच्छा वाली हो करके जिसके बाहों में आने के बाद किसका मन आसक्त नहीं होता और किसका मन चिवित होगा बताओ। मने कभी भी पलायन नहीं हो सकता और पक्का टिका रहेगा तेरे प्रति, लेकिन मेरा शर्त, मेरे पास ये दो बकरे हैं, एतावर्ण कौराजन, ये तो भगवान की लीला है ना, फंसा रही है उसी के कारण से फिर शाप पाएगा, दुर्दशा हो जाएगा उसका इसी के कारण से। तो साथ में सब भगवान की जो है ना ड्रामा रहता है, एतावर्ण कौराजन न्यासौ रक्षस्व मानदा संघंसे भवता साकम श्लाघ्य स्त्रीणां वरः स्मृतः। एतो उरणकौ राजन, हे राजन, ये दोनों के दोनों उरणक हैं, ये दोनों मेष हैं, उरणकौ मने मेषो न्यासो निक्षेप रूपौ, ये मेरा निधि के समान है, इसकी रक्षा करना आपका काम है। तब यदि आप मान, हे मानदा, हे मान देने वाले, आप मुझे सम्मान दिए हैं, भवता साकम संरंस, इसकी रक्षा कर सको तो मैं जितने समय तक को उतरे समय तक आपके साथ रमण करने को तैयार, क्योंकि स्त्रीणाम
श्लाघ्य वरह स्मृतः, स्त्रियों के द्वारा वरणीय वर है, श्लाघ्य प्रशंसनीय है, ऐसा हमने बारंबार सुना है, स्मृत है। इसलिए आपके साथ में जरूर संभ्रमण करने को तैयार हो। शर्त है ये जो है ना, कभी इनको कोई चोरी ना हो जाए, इनको कोई हानि नहीं होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, मैं केवल घी पीने वाली हूं, दूध दही मक्खन चावल दाल सब्जी रोटी नहीं खाती। घृतम मे वीर भक्षण स्या ने क्षेत्र मैथुनात् विवास संतप्तेती प्रतिपेदे महामना। दूसरा कंडीशन उसका यह है, मैं आपको मैथुन काल से अतिरिक्त काल में नंगा नहीं देखना चाहूंगा। मैथुनाद अन्यत्र त्वाम त्वाम विवास सम न इच्छे। ठीक है, तुम्हारे जितनी चाहे घी का तो कोई कमी है नहीं, घृतम में वीर भक्षम उसके लिए वो शर्त कोई प्रमुख नहीं है। यही दो शर्त जहां पर फेल होता है। और भी देवता लोग भेजते हैं, इंद्र वगैरह भेजते हैं गंधर्वादी को, जाओ किस तरह से उस मेष को चुराओ। जब मेष को चुराओगे वो गुस्सा होगी, वो नाराज होगी, नाराज हो तो नंगा दौड़ेगा उसी अवस्था में उसको पकड़ने के लिए। और मैथुन काल से अतृत काल ने उसने उसको नंगा देख लिया, दोनों शर्त खत्म हो जाएगी। तो ये चक्कर में इसको ये शर्त रखी है, जान करके सब हुआ है लीला। हाँ, विवास सम, अब वो बेचारा उस सौंदर्य के सामने में बिल्कुल लट्टू बना हुआ है। वो क्या कहता है, तथेति प्रतिपेदे महामनाहा, महामनस्वी भाव पुरुरवा ने तथास्तु करके जो स्वीकृति दे दिया, तुम्हारे दोनों शर्त मुझे स्वीकार है। यही तो परंपरा है, कैके ने भी यही किया, मैं दो बार मांगूंगी, जब मांगे तब देना, पहले इसने पहले शर्त रखा, उसने पहले नहीं रखा, इतना ही ले लिया, ठीक है जो तुम मांगोगी, जब मांगोगी तब दे दूंगा, कह दे दो शर्त ने। यही संसार की समस्या है, आज तक चले आया। आजकल क्या मांगती अधिक से अधिक, यही मांगती जैसे कहूंगा वैसे करोगे। हाँ, जैसे तुम कहो चक्कर में आ जाता है, और भोग करा लेने के बाद कहती अब चल घर अलग बना, अलग घर बनाओ, अलग घर बनाओ, एक की रोटी नहीं तो घर गिरा दूंगी, डरा देगी। बड़े शैतान होते ये बाप रे बाप, माया बहुत खतरनाक है। अब ऐसे डरा धमका देगी, अब क्या करेगा आदमी, चलो भाई माँ बाप को छोड़ के अलग घर बना ही देगा। फिर कहेगी मेरे भाई मेरे बहन आते रहेंगे, तुम्हारा भाई बहन आएगा तो पानी भी नहीं पूछूंगी, तुम बोलोगे चुप, तुम वो करना तुम करते रहना, मैं नहीं करूंगी। आओ उसके पुत्री बच्चे आ जाए, उसके बहन आ जाए, उसके भाई आ जाए, उनकी तो खूब सेवा करेगी। ये घर घर में हो रहा है ये दुर्दशा। और वो भी मूर्खान उसके चक्कर में क्या कर देता है, पुत्र भी वो सालों के गाना गाएगा, साला साली का ही, अपने माँ बाप को गाली देगा, अपने भाई बहन के खिलाफ कोर्ट में केस भी कर देगा, और साले को सब कुछ दे देगा। ये दुर्दशा है संसार का, उसी को वर्णन कर रहे वैराग्यार्थ, ये वर्णन हो रहा है। अहो रूपम अहो भावो नरलोक विमोहनम कौन सेवेत मनुजो देवी ताम स्वयं आगताम। और कहने लगा अहो रूपम अहो भावो, क्या तेरा सुंदर रूप है, क्या तेरी हाव भाव है, समस्त नरलोक को विमोह कर देने वाला है। कौन सा ऐसा मनुष्य होगा जो तुम्हें देख करके स्वयं आई हुई तेरे जैसे देवी को सेवन नहीं करता। तयास पुरुष श्रेष्ठ रमयंत्या यथारथ रेमे सुर विहारेशु कामम चैत्र रथादिशु। तयास उस उर्वशी के साथ वह पुरुरवा पुरुष श्रेष्ठ क्या किया, यथारथ जैसा जैसा योग्य वैसे वैसे स्थान आदि को ढूंढता हुआ रमण करने लगा, देवताओं के विहार स्थलों में भी रमण करने लगा। कामम चित्ररथाशो, चित्ररथा जो सुर विहार है उन स्थलों में भी यथेच्छा पूर्वक रमण करने लगा। रमणस्तया देव्या पद किंचल कगंधया
तन्मुखामोद स्मुषितो मुमुदे अहर गणान बहून। रमणतया देविया, उस देवी के साथ रमण करता हुआ कैसी है, पद्म किंजल गंधया, पद्म का केसर का सुगंध से सुगंधित के समान वह देवी से सुगंध आ रहा था शरीर से, ऐसा देवी के साथ रमण करता हुआ तन मुखामोद मुषितो, उसके मुख का आमोद जो सौंदर्य से चुरा लिया गया, तो उसके बुद्धि भ्रष्ट हो चुका था। अहर गणान बहुन मुमुदे, देने को दिनों तक, पता नहीं कितने समय तक वो आनंद को पाते रहा। लेकिन इधर क्या हुआ, ना जयकरा इंद्र उर्वशी तो लोप हो गई, अदर्शन लोपा वाई नहीं रही है, वो तो नित्य जो है विनोद में लग गई उसके साथ, वो कम से कम आती चली जाती वहां सभा में, तब तक तो कोई शंका ही नहीं होता। तो इंद्र ने देखा भाई उसके बिना तो पूरा सोना साना हो गया हमारा महल, महल ही सोना हो गया है। अपश्यन् उर्वशी इंद्र गंधर्वान समनोदयत्, उर्वशी रहितं मह्यं आस्थानं नातिशोभते। मेरा यह सभा मंडप मह्यं आस्थानं, मेरा यह स्थान जो है ना उर्वशी रहित होने पर नातिशोभते, शोभित नहीं हो रहा है, ऐसा उर्वशी को न देखता हुआ इंद्र ने बोल पड़ा। और गंधर्वान समनोदयत, गंधर्वों को सम्यक प्रकार से प्रेरित कर दिया, जाओ किसी तरह से ढूंढो कहां है उर्वशी, और किसी भी उपाय से उसको पकड़ते। उपेत्य महारात्र तमसी प्रत्युपस्थित है उर्वश्या उर्ण जरून न्यस्त राजनी जायया, चोरी कर लिया। ते उपेत्य महारात्र, उन्होंने किस समय पहुंचे जान करके, दिन में नहीं, जब रमण नहीं कर रहे हो उस समय जाएगा तो राजा तो बिल्कुल पकड़ लेगा उसको, मार डालेगा, इसलिए वो गए महारात्र के समय। महारात्र भी उस समय का तो रात्रि पूरा नहीं, जिस समय भोग का ही मध्य रात्र का तो याम होता है वही समय, 9 से 3, 9 से 12, 12 से 3, 6 घंटे का समय, यही एकदम जो है गर्भाधान आदि समस्त्री के साथ भोग करने का समय होता है, उसी समय में लोग जा करके जान करके चुरा लिया। नीचे दिया है देखो, श्रुति भी दे रहे इसमें, यह अपमान सन्नपि यथा नारी तथा निशी दिवाच संत्रस्त संशेते, निशी यथा नारी तथा संत्रस्त सन निशीशेते तस्मा दिवैव यह अपमान न तु राजौ रात्रवैति व्याचक्यौ। ये कहते तेरे देविया कहा है दो मुहूर्त का ना, महानिशा द्वे घटिके रात्र मध्यम यामयोः, मध्यम यामों का प्रत्येक याम 6 घंटा पूरा भी नहीं बनेगा, प्रत्येक याम का 2-2 घटिका लेना, मैंने 9 से 12 में से अंतिम घटिका लो और 12 से 3 में से भी पहला घटिका लेना, इसे दोनों यामों में से एक एक घटिका, द्वे घटिका, एक एक दो 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 घड़ी लेना, 2 घड़ी यहाँ की 2 घड़ी वहां की। 2 घड़ी का मतलब क्या हुआ, 1 घड़ी 24 मिनट, 2 घड़ी मैंने 48 मिनट, 48 और 48 40 और 80 और 16, 56 मिनट हुआ, नहीं 96 मिनट, 96 मिनट का मतलब 1 घंटा 36 मिनट हुआ, इतना समय 2 मुहूर्त, 1 घंटा 36 मिनट को 12 बजे इधर और उधर बांट दो, 12 बजे से 48 मिनट पहले, 12 बजे से 48 मिनट बाद तक, अर्थात 11 बजकर 12 मिनट पे, 11 बजकर 12 मिनट से लेकर के 12 बजकर 48 मिनट तक का जो समय है वही महानिशा कहा जाता है, महारात्र कहा जाता है। ये दिया इति स्मृते है, महारात्र मध्य रात्र में इस प्रकार से क्या किया, जब वो बिल्कुल दोनों नग्न होकर के संभोग काल उपस्थित उस समय में उर्वश्या उरड़ो जरू, उर्वशगन दोनों मेषों को उन्होंने चुरा लिया। जाया राजनी न्यस्तो, पति पता उर्वशी की तरह राजा में जो है रक्षा हेतु जो न्यस्त था, ऐसे दोनों वर्णों को मध्य रात्रि ने चुरा लिया। अब वो दोनों में चिल्लाने लग गए, निशम्याक्रंदित देवी पुत्रियोर नियमान यो हो हताश्मी अंकुनाथे नपुंसा वीर मानी ना, एकदम बदल गई, इतना आनंद पा रही थी
अकद तुम नपुंसक है, अपने आप को वीर मानने वाला धूर्त है, तुम दुष्ट है, तुम कुनाथ हो मेरा, भाव से छोड़ो मेरे को, मेरे दोनों बच्चों को ले जा रहे, तुम चुपचाप भोग में लगा। देखो औरत की दुर्दशा है, कितने क्षण भर में बदल गई। निशम्य आक्रंदिताम, जब दोनों मेष चिल्लाने लगे, हे देवी, देवी क्या किया, पुत्र योर आक्रंदितम निशम्य नियमान यो पुत्र यो हो हतास्मि हम, बोले मैं तो मर गई, मेरे दोनों संतान को उठा के ले गए। इसलिए मेष, मेष का मतलब क्या, मा ईशैति मेषा, मा ईशैति मेषा, वो अपने आप में स्वामी नहीं है, पराधीन तत्व है। तात्पर्य भी है ना, पराधीन तत्व है, हमेशा स्त्री के पास पराधीनता बनी रहती है, दो बातों के लिए पराधीनता है, इसलिए दो मेषों को लाई, मां ईशा थी, ईशा ईशा मैंने स्वामी, जो ईशा नहीं है वो मेष है, और जो स्वामी नहीं हो सकते कभी, अर्थात हमेशा पराधीन रहने वाले दो तत्व है जो स्त्रियों के पास होते हैं, वही उनके लिए पुत्र से भी श्रेष्ठ माना जाता है, पुत्रवत माना जाता है, और उसी गंधर्व ने लेने ले जाना प्रयास कर रहे हैं। दो तत्व तो कौन से है वो, ये विचार है ना, जो कि गंधर्व लोग ले जा सकते, दूसरे लोग नहीं चुन सकते उस समय में, हर आदमी उसको स्पर्श नहीं कर सकते उससे, कि वो भी भोग काल में कैसे दूसरा कोई औरत के पास जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। हाँ, तो हटाने के लिए किया है ना, मैंने ऐसा तत्व उसके अंदर है जिसको चुरा लेने से वो पुरुष से विलग हो जाती है, वियोग को प्राप्त कर, पुरुष से वियोग को प्राप्त कर जाती। सबसे पहला तत्व उसके अंदर है भोग की कामना की पूर्ति, वही उसकी काम इच्छा पूरा नहीं हुआ, उसे नाराज हो जाए, पुरुष के प्रति बिल्कुल नाराज हो जाए, और पुरुष भटकते फिरेगा, दवाया खाते फिरेगा, मैं कैसे मैं मजबूत हो जाऊं, कैसे मैं इसको संतुष्ट करूं, जगह जगह कार्य गुप्त रोग विशेषज्ञ, जगह जगह आजकल जो गुप्त विशेषज्ञों का बहुत जरूरत हो गया है, क्या है वो, यही तो है, और है क्या, मर्द मर्दाना नहीं, नपुंसकता आ गया, स्त्री को प्रसन्न नहीं कर पा रहा है, स्त्री को बेचारी दूसरे तीसरे के पास जा रही है, रोक नहीं पाता है, विदेशों में तो यही हाल है, विश्व में तो दुकानें खुली है मर्द सांडों की, वो गोलियां खाते हैं, और स्त्रियां दिन में भी जाए कभी भी जाए उनको सुख देते हैं, ऐसा है विदेशों में, और पुरुष जो है अपने पत्नी को छोड़ता है वहां ले जाके, क्या करो मैं तुमको संतुष्ट नहीं कर पाता, जात को यहाँ मर्द सांड बैठे हुए इनसे संबंध करा ले, अपना संतुष्ट हो जा, मुझे मत छोड़ के जाना, ये दुर्दशा विदेशों में चल रहा है, और यहां पर भी गुप्त रूपेण है, खुलम खुला नहीं, इतना ही अंतर है, यहां भी है सब कहानी बहुत चल रहा है, लेकिन गुप्त रूपेण प्रकट नहीं। एक तो ये काम वासना की अभाव हो जाना, ये उन्होंने क्या, गंधर्वों ने उसके मस्तिष्क में घुस करके ऐसा कर दिया कि उसे काम वासना संतुष्ट नहीं हुआ, एक पुत्र छिन गया, एक तरह से उसका एक पुत्र जो है पुत्र के तुल्य है, उसके काम जो है पुत्र तुल्य है, वह अधूरा हो जाए, छिन जाए, वह पूरा ना हो तो वो नाराज तो हो, मुख्य तत्व है। और दूसरा तत्व यह स्त्री का महत्वपूर्ण वस्तु, वो कभी अपने मायके के बारे में गलत सुन नहीं सकती, अपूर्वा मद मस्त में होकर के देवताओं की निंदा कर देता है, उसके अपना मायके का निंदा हो गया तो सहन नहीं, गंधर्व ने भ्रष्ट कर दिया, बुद्धि भ्रष्ट कर दिया, इसलिए ना अभी पहले भी आया था ना, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका था, उसका बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुका है, तो इसीलिए क्या, मुखामोद मुशित शब्द था, मुखामोद से विवेक चुरा लिया गया था, इस प्रकार से गंधर्व ने इसके अंदर घुस करके काम को नष्ट कर दिया, मेरा काम उसका जो इतना उद्दीप्त कर दिया जिसको पूरा न कर सके, और जो उसके दिमाग में घुस करके देवता जो उसके अपना ओरिजिनल पति है उनके खिलाफ बुलवा दिया,
इस तरह से दोनों उसका जो मेष है, जो उसके पराधीन होकर के सदा संतुष्ट होता है, जो इसलिए हमेशा पति को करना क्या पड़ता है, उसे काम वासना संतुष्ट करना है और उसके मायके की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति अपने पत्नी को अपने अधीन करके जो चाहे सो काम करा सकता है। फिर वो पत्नी कभी नहीं कहेगी मुझे घर से अलग करो, वो पत्नी कभी नहीं कहेगी आपके भाई बंधुओं के मैं सेवा नहीं करूंगी, बिल्कुल तैयार रहेगी 24 घंटा, बस उसके दो भूख को शांत करना है। एक तो उसके मायके की खूब प्रशंसा, अरे तुम्हारे भाई तो बहुत अच्छे हैं, अरे ऐसे तो हमने कहीं नहीं देखा, बहुत बढ़िया। अब उसकी पत्नी उसके बच्चे की, उसके बहन की, उसके माँ के बाप की खुश कर दो, प्रसन्न देख लेना वो औरत बिल्कुल आप जैसे नचा हुआ से नचा। एक बार भी सुन नहीं सकते, हाँ शुरू शुरू शादी में कुछ भी बोल ले सुन भी ले, बाद में कभी नहीं, तो मजबूरी नया है ना, मजबूरी में सुन लेंगे, लेकिन उसके अलावा कभी नहीं सुन सकता। ये दो मेष है, स्वत्व स्वीकृत चाहे शादी कर पर घर का हो जाएगी, न उसका स्वत्व न पति है, न पति के घर के लोग है, उस अपना वही लोग होते हैं, ये स्त्री का स्वभाव है। ये तो मेषों को गंधर्वों ने चुरा लिया। तो वो सबसे पहले क्या कहती, इसलिए देखो दो बात कह रही है, कुनाते नपुंस वीरम मानिना, तुम कुनात हो नपुंसक हो, आगे ना वही पॉइंट, तुम मेरे काम इच्छा को पूरा नहीं कर सक रहे हो इसलिए तुम नपुंसक हो कह रहे, और अपने आप को वीर मानने वाले हो। ये विश्रम्बाद हम नष्टा हृता पत्या चु भी यह शैत्य निशी संत्रस्त यथा नारी थी वापुमान। यह विश्रम्बा जिस पर विश्वास करने से अहम नष्टा, मैं तो नष्ट हो गई, बेमतलब का जो मारी गई हृदयपत्या दस्य भी, मेरी अपने इंद्रियों की और मेरे कामनाओं की आपूर्ति हो गई है। दस्यों पर उसके स्वयं की इंद्रियां हैं, उसे हृदयपत्या उसका संतान का काम इच्छा वह जो नष्ट हो चुकी, इस प्रकार के मैं ही एक तरह से नष्ट भ्रष्ट हो गई, तेरे संग में आकर कोई फायदा नहीं। यह शेते निशी संत्रस्तो यथा नारी दिवापुमान, जिस प्रकार से यह कल इसलिए जो यहां देखो बहुत सुंदर टिप्पण कर रहे, यह अपमान सन्नपी जो पुरुष होते हुए भी नारी को जो है कामना पूरी न किए हुए सोना पड़ जाए, रात भर निरर्थक व्यतीत करना पड़ जाए, वह पुरुष नपुंसक से बढ़कर क्या है। यह अपमान सन्न भी यथा नारी तथा निशी, और तथा निशी दिवाच संतुष्ट संशित है, दिन और रात 24 घंटा संतुष्ट होकर के लेटा पड़ा रहना पड़ जाए, ऐसा पुरुष का क्या लाभ है। चक्रवर्ती थोड़ा अलग अर्थ कर रहे हैं, यो निशी यथा नारी तथा संतुष्ट सन निशीष्यत है, यो निशी यथा नारी जैसा जो रात में नारी संतुष्ट होकर के रात भर सो जावे, तस्मा द्वैव यह अपमान जो केवल दिन मात्र में पुरुष है, रात में जिस स्त्री के साथ सोता है वो पुरुष भी स्त्री हो जाता है, अर्थात दिन दिन में केवल मर्द और रात में औरत हो जाए, अर्थात क्या है नपुंसक, दिन में पुरुष रात में स्त्री, स्त्री के साथ सो करके स्त्री की कामना को पूरा न कर सका, ऐसे पुरुष भी क्या है स्त्री के साथ सोया हुआ दूसरा स्त्री के बराबर ही है, निरर्थक है, ऐसा भी अर्थ मिल रहा है। इति वाक् सहायक विद्या प्रदोत्रैरिव कुंजर निशि निस्त्रिशन निस्त्रिंशम आधाय विवस्त्र अभ्यद्रव दृशा। देखो दूसरा अभ्य उसका शर्त टूट गया, खत्म हो गया, इसके वाक बाणों से पीड़ित होकर के उसे रहे हाथी को जैसे तोत्र अर्थात उसके अंकुश के द्वारा पीड़ित किया जैसे दौड़ता है तेजी से, उसे वाक बाणों से पीड़ित होकर के वह पूर्ववाक विवेकी भूल गया मैंने क्या वचन दिया था, नंगा नहीं दौड़ना चाहिए था, कुछ कपड़ा तुरंत पहन करके जाना चाहिए तब भूल गया, उसने निस्त्रिंश नाम कस्त्र को उठाया, उस रात और रात ही विवस्त्र सन अभ्य द्रव तृषा उन गंधर्वों का पीछे दौड़ा कि भाई मैं इनको पकड़ो और मेष को वापस लाऊं।
ते विसृज्योरणौ तत्र विद्योत्तन्तस्म विद्युतः आदाय मेषा वायान्तम् नग्नम् ऐक्षत सापतिम्। ते विसृज्योरणौ, उन गंधर्वों ने क्या किया, उन दोनों मेषों को वही छोड़ के भाग गए इसलिए। तत्रस्म विद्युत विद्योत्तन्त, जैसे बिजली चमकता हो वैसा चमक कर चले गए, गायब हो गए। आदाय मेषो वायान्तम्, उन दोनों मेषों को लेकर आ रहा है। नग्न मैक्षत सापतिम, लेकिन वहां उर्वशी नग्न उस पति को देखा, मिथुन मैथुन का सुबिन काल में दिखाई दे रहा है। अयलोपिशयने जायाम अपश्यन विमनाइव, शरद थी अयल, अयल मैं पुरव अयला का पुत्र, उसने भी देखा उस बिस्तर पर जो है विमनाइव अपश्यन, विमना जायाम अपश्यन। तच्चित्तो विवल शोचन बभ्रामोन्मत्तवन्मही,